हेलो गेमर्स, क्या हालचाल। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से माइनक्राफ्ट की दुनिया में। तो भाई, आगे से बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप कोई भी मेरा वीडियो मिस ना करें। तो भाई, आज के एपिसोड में हम क्या करने वाले हैं? आज के एपिसोड में हम अपने विलेजर्स को ब्रीडिंग एंड उनको प्रोफेशन देने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अपने एक्सपी फार्म की तरफ जो बराबर से वर्क कर रहा है एंड बहुत सारी एक्सपीज मिलती रही है। 23 हो चुका है मेरा एक्सपी लेवल, तो एक्सपी फार्म बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। साउंड सेट कर देता हूँ, एक सेकेंड। ओके, तो लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि मैं दो विलेजर्स को लेके आया था। उनके लिए मैंने एक छोटा सा घर बना दिया है, रूम टाइप, तो दोनों इसके अंदर घूम रहे हैं। अब हमें क्या करना है, इनको ब्रीडिंग करवानी है। उसके लिए हमें जितने बेड हो सके उतने बेड रखेंगे इसके अंदर। अगर एक बेड एक्स्ट्रा होगा तो एक बेबी हो जाएगा, दो बेड एक्स्ट्रा होंगे दो बेबी हो जाएंगे। कंपोस्टर से क्या होता है आई डोंट नो, बट एक बार रख देते हैं। अच्छा, इससे फार्मर बन जाते हैं तो ठीक है, फार्मर के साथ ट्रेडिंग अच्छी होगी, एमरेल्ड मिल जाएंगे हमें बहुत सारे। एंड हमें क्या करना है, बेड रखना है यहाँ पे, तो एक बेड रखते हैं यहाँ पर और दूसरा बेड रखते हैं यहाँ पर, ताकि दो बेबी मिल जाएंगे हमें। तो भाई, आप लोगों का काम हो चुका है, दो बेड भी रख दिए। अब क्या हो गया, रख। ओके, ऑल सेट। अब इनको आई थिंक भूख लग रही है यार, एनर्जी तो चाहिए होगी ना। खा लो भाई, ब्रेड खा लो। ओके, ब्रेड खाते ही भाई। अच्छा, तुम्हें भी खाना है क्या? ठीक है, तो दोनों को ब्रेड खिला दिए हमने। एंड अब हम बनने वाले हैं अंकल बहुत जल्द, मात्र 1 मिनट लगेगा और 7-8 साल का बेबी हमारे सामने होगा। आई थिंक हम बन चुके हैं अंकल। यार मिठाई मिठाई बांटो यार, क्या है, कहाँ है बेबी छुट्टू? ओ छुट्टू, कैसे कैसा लग रहा है दुनिया में आके माइनक्राफ्ट की? हाँ, बड़े हो जाओ, जल्दी से काम करवाना है, अभी मेहनत करनी है। तो भाई सो गए यार, ये तो ब्रेड भी नहीं ली मेरी। कोई बात नहीं, इनको सोने देते हैं, आई थिंक नाइट हो गई है एंड एक बेबी और हो जाना चाहिए, क्योंकि एक बेड और पड़ा हुआ। जितने बेड आप रखोगे उतने विलेजर्स बढ़ते जाएंगे, उतने बेबी होते जाएंगे। तो माइनक्राफ्ट की दुनिया है यार, देख लो। सारे काम फास्ट ही होते हैं, बिल्कुल फास्ट। अभी देखो गांव खड़ा करेंगे हम यहाँ पे। तो जल्दी से सो जाते हैं एक बार, तो मैं नहीं चाहता कि मॉन्स्टर आए आसपास और क्रीपर व्रीपर फट जाए भाई मेरे विलेजर्स के पास। अफोर्ड नहीं कर सकते आप, मैं विलेजर्स को वापस वहाँ से लाना, भाई बहुत मेहनत लगती है यार। तो ओके, तो दूसरे बेबी का काम स्टार्ट हो चुका है। क्या हो गया, दो बेबी हो गई क्या? आई थिंक हो गए हैं। ओके, तो दो बेबी हो चुके हैं, टोटल 4 विलेजर्स हो चुके हैं हमारे। तो जब तक हम इनका घर बनाएंगे आई थिंक 2 से 4 भी हो चुके होंगे। और ये गेट एक साइड से ही खुल रहा है, पर वैसे भी ज़रूरत नहीं है इस गेट की, क्योंकि हम ये मेन गेट बाहर लगाने वाले हैं दूसरी जगह पे। तो भाई अब बिल्ली भी आ गई यार यहाँ पे, तो कैट भी आ गई, तो विलेजर्स के साथ आई थिंक कैट भी आ जाती है। के बढ़िया है, चलो। हाँ नहीं नहीं यार, ये गेट बहुत जल्दी बंद हो जाता है। इनसे थोड़ी सी ट्रेडिंग कर लेते हैं, क्या दे रहा है भाई? 26 पोटेटो के बदले में एक एमरल्ड एंड 15 शलजम है आई थिंक, शलजम के बदले में एक एमरल्ड। तो पोटेटो अपने पास बहुत सारे हैं, बहुत सारे तो नहीं है पर थोड़े बहुत हैं, तो बाहर पड़े हुए हैं वो, तो बाद में करते हैं इनसे ट्रेडिंग। अब भाग गई यार कैट, कोई नहीं, भागने दो इसको, छोड़ो, कोई इशू नहीं है। हाँ कूदो, अपने मस्त रहो, जा अंदर जा, नहीं जा रही यार। तो गाइस, पोटैटो लेके आ चुका हूँ मैं अपने फार्म से,
और करते हैं हम पोटैटो की ट्रेडिंग, नहीं ये वाला बंदा नहीं ये वाला। एंड वन टू थ्री फोर फाइव, मैं सोच मेरे को ऐसा क्यों लगा फाइव मिले, मुझे थ्री मिले हैं यार अभी तक। ऑलराइट कोई बात नहीं, थ्री एमरल्ड मिल चुके हैं हमें, तो अब तो ट्रेडिंग होती रहेगी, एमरल्ड मिलेंगे और एमरल्ड से अच्छी खासी चीज़ें भी लेनी है हमें। तो मौसम काफ़ी ख़राब हो चुका है एंड मैंने इन विलेजर्स के लिए घर भी बना दिया है। तो ये रही उसकी बाउंड्री और ये रहा उसका घर। तो कैसा लग रहा है इसका विलेजर्स का घर, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे पास जो दो बेबी थे वो भी बड़े हो चुके हैं, चार चार विलेजर्स हो चुके हैं। और उसके बाद मैंने एक बेड एक्स्ट्रा रखा था तो एक बेबी और हो चुका है, तो टोटल पांच हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम एक्स्ट्रा बेड्स रखने वाले हैं ताकि जितने हो सके उतने विलेजर बढ़ सके और उनको हम प्रोफेशन दे सकें। तो भाई अंदर आ जाओ यार, बाहर मौसम बहुत ख़राब है, बिजली बिजली गिर जाएगी कहीं। तो बेड रख देते हैं यहाँ पर, जितने बेड होंगे उतने नए विलेजर्स मिल जाएंगे हमें। तो जो दो बेबी थे ये रहा, एक बड़ा हो चुका है भाई, शक्तिमान बन चुका है ये। ये देखिए जैसे बेड रखे और बेबी की प्रोग्रेस चालू। अरे पोटैटो खा लो यार, क्यों बेइज्जती करा रहे हो मेरी। जब भी इनको खाना डालता हूँ ये भाग जाते हैं यार। तो नाइट हो चुकी है इसलिए सो चुके हैं, तो अपन भी चलते हैं जल्दी से। तो यार ये गेट का बटन मेरे को थोड़ा ऊपर लगाना पड़ेगा यार। तो एक बार तो मैं इनको प्रोफेशन दे दूंगा और उसके बाद कोई प्रोफेशन अगर मिस हो जाए, मेरे को अभी जितना पता है उतना तो मैं दे दूंगा। तो आप प्लीज़ कमेंट करके भी बता दीजिएगा कौन सा प्रोफेशन मिस हो चुका है और एंड कौन से टूल के साथ वो प्रोफेशन हम दे सकते हैं विलेजर्स को बेसिकली। तो भाई इनका काम तो सुबह सुबह ही चालू है, होने दो कोई बात नहीं, अपने को तो भाई जनता चाहिए यहाँ पे, जितनी जनता मिल सके उतना ज़्यादा अच्छा है अपने लिए। राइट, देखिए भाई स्पीड देखिए भाई माइनक्राफ्ट में, ये देखिए खेलने भी लग गया बच्चा। ओ भाई हेलो, इतना जल्दी कैसे बड़ा हो गया भाई, हाँ बराबर काम कर रहे हो यार। एंड भाई बहुत सारे हो गए लोग यार, बहुत खुशी भी हो रही है इनको देख के, इतने दिन अपना बिल्कुल घर सुना सुना सा लगता था। एंड हाँ भाई आप सभी को धन्यवाद, तो हम पोटैटो लेके आया हूँ, थोड़े थोड़े बांट देता हूँ और फिर इन सबको खिला देते हैं। थक भी गए होंगे यार, थक गए होंगे, बेबी तो नहीं खाते हैं पोटैटो अभी, बच्चे नहीं खाते हैं पोटैटो, पेट खराब होता है भाई, भाई खा ही नहीं रहे हैं यार ये तो। भूख नहीं लग रही क्या, खा लेना भूख लगे तब, ठीक है ठीक है, नहीं खा रहे हो ले जा रहा हूँ मैं। तो अब इनको प्रोफेशन दे देते हैं, उसके लिए प्रोफेशन देने के लिए हमें क्या करना है, कोई भी टूल हो जिन पे ये वर्क कर सके उनको इनके यहाँ पे रखना है ताकि ऑटोमेटिक ये उस पे काम वर्क करने लग जाएंगे। तो ये सबसे पहले स्मोकर रखा है हमने, ब्रूइंग स्टैंड, तो देखिए ऑटोमेटिक आ रहे हैं यहाँ पे काम करने के लिए। तो सबको अपना अपना प्रोफेशन मिल जाएगा तो उससे अपन ट्रेडिंग भी कर सकेंगे। बैरल लेके आया हूँ मैं, ब्लास्ट फर्नेस है अपने पास, ब्लास्ट फर्नेस ओके, पिस्टन नहीं ये कुछ यूज़ नहीं हुआ यार पिस्टन से, चलो कोई नहीं देखेंगे बाद में निकाल लेंगे, नहीं तो बैरल एंड यहाँ पे रखते हैं अपन अपना स्मोकर ओके। तो पिस्टन काम नहीं आया है, उसके अलावा सबको एक एक प्रोफेशन मिल गया, ये तो फार्मर है भाई, तो इससे थोड़ी सी ट्रेडिंग कर लेते हैं जल्दी से। एंड एंड में मैंने जो रखा था फर्नेस था, स्मोकर नहीं था सॉरी। एंड एक्सपी फार्म भाई अपना बराबर काम कर रहा है, आ जाओ भाई सब, बहुत परेशान कर रहे थे मेरे को। तो अपना लेवल 24 हो चुका है, ये यहाँ कहाँ घूम रही है। एंड अपने पास
बहुत सारे रोटन फ्लैशेज हैं, तो इनको अपन ट्रेड करने वाले हैं विलेजर्स के साथ, जिससे हमें बहुत सारे एमरेल्ड मिलेंगे। वो एमरेल्ड हम बाद में यूज़ करेंगे बुक्स के लिए, एंड टूल्स कोई अच्छा दे रहा हो तो। बाकी मैप्स भी मिलते हैं इसमें हमें, तो हम एक्सप्लोर करने भी जाएंगे मैप्स को। इस यार गेट का बटन मैं ऊपर लगा दूंगा थोड़ी देर बाद, परेशान हो चुका हूँ इस गेट से। मैं यही था ना? हाँ यही है, स्लेरिक। तो कितने एमरेल्ड मिल सकते हैं देखते हैं। टू थ्री फोर फाइव सिक्स, भाई सिक्स एमरेल्ड हो चुके हैं अपने पास। इसका लेवल भी अप हो चुका है, लेवल टू पे चला गया। अब अपन गोल्ड के साथ भी एमरेल्ड ले सकते हैं, और एमरेल्ड के साथ लेपिस भी ले सकते हैं, बट इतने कुछ काम के नहीं दिख रहे मुझे। अपन इनका लेवल भी अप करना है। यह है बचर, तो अभी अपने पास चिकन नहीं है इतना। ये फिशरमैन, तो कोल के साथ एमरल्ड ले सकते हैं, मछलियों के साथ भी ले सकते हैं अपन, फिश के साथ, तो अभी नहीं है अपने पास। एंड एक दो और शायद टेबल बना देते हैं कार्टोग्राफर की, और स्मिथिंग टेबल पता नहीं ये किस काम आती है, बना लेते हैं एक बार। कार्टोग्राफी टेबल भी बना लेते हैं, दो पेपर चाहिए होंगे इनके लिए, कार्टोग्राफी के लिए। वुड ले लेते हैं, आयरन ले लेते हैं जल्दी से। तीन टेबल है, तीनों बना देते हैं, देखते हैं कौन सा प्रोफेशन मिल सकता है उनसे। कार्टोग्राफी का तो मेरे को पता है, बाकी स्मिथिंग टेबल से पता नहीं, बना लेते हैं बाद में काम आ जाएगा अगर यहाँ पे नहीं होगा। कार्टोग्राफी टेबल ये इम्पोर्टेंट है भाई, मैप्स मिलेंगे इससे ताकि हम खजाने मिल सके हमें। एंड आयरन रख देते हैं जल्दी से, फ्लिंट चाहिए होगा हमें, तो फ्लिंट ले लिया है। एंड यहाँ से बना देते हैं हम, अरे क्या है, फ्लेचिंग टेबल, तो बना तो देते हैं, फिर देखेंगे बाद में क्या यूज़ होता है। अब कार्टोग्राफी टेबल, दो पेपर चाहिए यहाँ, पेपर है या नहीं है मेरे पास, देखना पड़ेगा मेरे को। एक बार फ्लिंट रख देते हैं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी दिख तो नहीं रहा है, एक दिखा दिखा दिखा, थ्री पेपर्स हैं, ओह दो ही चाहिए अपने को। तो कार्टोग्राफी टेबल भी बन गई हमारी, तो जल्दी से प्रोफेशन दे देते हैं इन बाकी के विलेजर्स को भी। भाई ठाले नहीं घूमने चाहिए, ठाले खाली दिमाग भाई शैतान का घर, फालतू चीज़ें चाहिए ही नहीं अपने को। तो इसको हटा देते हैं, पिस्टन को, वैसे भी ये कुछ काम का नहीं लग रहा है यहाँ पे, तो मुझे पता नहीं इसका क्या यूज़ होता है, बाद में देखेंगे इसको। आ भी नहीं रहा है, मेरे इन्वेंट्री फुल है, तो पहले उसको रख देते हैं कार्टोग्राफी टेबल को। तो कार्टोग्राफर बन जाएगा हमें एक विलेजर, एंड बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है ये कार्टोग्राफी वाला, क्योंकि मैप्स मिलेंगे इससे हमें, और हम जा पाएंगे खजाने की खोज पर। ये आ गया कार्टोग्राफर, तो 24 पेपर्स के साथ एमरल्ड, एमरल्ड के साथ एक पेपर दे रहा है, एंड मैप दे रहा है हमें 13 एमरल्ड एंड वन कंपास, बट वो लेवल टू पे है, उसके लिए हमें पहले लेवल वन क्लियर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रखते हैं हम ना फ्लैचिंग टेबल एंड स्मिथिंग टेबल, दोनों ही रख देते हैं। पता नहीं कुछ यूज़ भी होता है स्मिथिंग टेबल, नहीं कुछ भी नहीं हुआ। अगर इसके ऊपर ग्रीन ग्रीन जो वो होता है ना फ्लैश होने लग जाए, तो मतलब किसी न किसी विलेजर ने इसका प्रोफेशन ले लिया है। नहीं दोनों ही यूज़ के नहीं है स्मिथिंग टेबल। अच्छा गियर अपग्रेड करने के काम आता है। ऑल राइट, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बाकी इनको। चलो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।